नमस्कार, बात बेबाक में स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बात बेबाक में छत्तीसगढ़ की सियासत पर बात, और छत्तीसगढ़ की सियासत के एक ऐसे नेता की बात जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है। राजस्थान से आते हैं, कई बड़े प्रदेशों के प्रभारी रह चुके हैं और फिलहाल छत्तीसगढ़ के प्रभारी, और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सत्ता में वापसी की अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। देर नहीं करते हैं, मुलाकात करते हैं ओपी माथुर जी से। माथुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। लगातार आप घूम रहे हैं, प्रभारी हैं, और बस्तर से लेकर सरगुजा तक तमाम जगहों पर आप जा रहे हैं। क्या आपको फीडबैक आ रहा है पब्लिक से, कार्यकर्ताओं से? देखिए, मैं जब भी पार्टी मुझे कोई काम देती है तो मेरा मन ये रहता है कि मैक्सिमम जो काम मैं दिया गया पार्टी द्वारा, मैं उसमें अपना समय लगाऊं, और ये मेरे स्वभाव में, और इसलिए बहुत कम समय में काफ़ी, यानी जैसे पांचों संभाग के मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता, मंडल स्तर मंडल महामंत्री तक के कार्यकर्ताओं से मिलना हो गया, आधे से ज़्यादा जिलों में घूमना हो गया, लगभग 49 के आसपास विधानसभाओं की कोर कमेटी तक मेरा जाना हो गया, और इसके साथ साथ जो ये 9 साल सुशासन के चल रहे हैं, इसमें मेरा 3 लोकसभाओं में 5-5 कार्यक्रम विधानसभा को बांट करके उनमें जाना हुआ। तो एक तो वर्कर्स का जो जोश मैं देख रहा हूँ वो एकदम पूरे मूड में आया है कि हमारी गलती हो गई, हमको इस बार वापस सत्ता में आना, एक। और जो जनता का रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है बड़ी मीटिंगों में, यानी छोटे छोटे स्थान पर, चाहे वो महासमुंद हो, चाहे वो कांकेर हो, या चाहे कल डोंगरगांव हो, इतनी बड़ी सभाएं होना, और वो मात्र मात्र कारण है कि आदरणीय मोदी जी की जो जन कल्याण की योजना है वो गांव-गांव के हर घर में पहुंची है। मुझे नहीं लगता कि गांव का कोई भी घर ऐसा होगा जहां कोई ना कोई योजना मोदी जी की डायरेक्ट और बिना लिखे इसके। ये वो युग गया जब राजीव गांधी कहते 100 में से 15 पैसे भेजते हैं, ये 100% पैसा और हम हाथ खड़ा करवाते हैं। तो ये जो मुझे लग रहा है, जनता भी मन बना चुकी है और कार्यकर्ता भी संकल्प सहित खड़ा हो गया है कि हमें हर हालत में 23 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाना। पर आपने कहा है मोदी जी का जिक्र आपने यहाँ पर किया, 2018 में हार के बाद 19 में मोदी जी के चेहरे पर आप लोगों को वोट मिला, लोकसभा में अच्छा रिस्पॉन्स था, विधानसभा में कितना कारगर होगा मोदी जी का चेहरा? निश्चित रूप से होगा कारगर, क्योंकि देखिए चुनाव है, चुनाव हर चुनाव को मैं चुनौती मान के ही चलता हूँ, चाहे छोटा चुनाव है बड़ा। तो जो जहाँ कहीं छोटी मोटी भी हमको लगती है कि ये नहीं है तो हम उसको ठीक कैसे करें, और भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव को चुनाव के एंड टाइम पे शुरू नहीं करती, एक चुनाव बीता अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है। आप आश्चर्य करोगे कि हमारे यहाँ की टीम ने लगभग 4 बार विधानसभा स्तर तक के दौरे किए, मेरे जैसा प्रदेश का प्रभारी भी लगभग आधी के आसपास विधानसभाओं में कोर कमेटी तक गया, आधे से ज़्यादा जिलों में गया, सारे संभागों में मैंने दौरे कर लिए, समय कितना। इसलिए पार्टी पूरी तैयारी से, और जब हमको याद करवाया जाता है, अभी हम जैसे जाते तो हाथ खड़ा करवाते, पर्टिकुलर जैसे कल मेरे साथ आदरणीय रमन सिंह जी भी थे तो वो बताते हैं भाई 4.5 साल में क्या बना, और ये कब बना, ये कब बना, ये रोड कब बनी, ये भवन कब बना, तो जनता स्वयं बोलती है। तो कई बार चीज़ों को स्मरण कराने से भी ठीक होता है, और मोदी जी का चेहरा, मोदी जी का काम निश्चित रूप से कारगर नहीं, 100% कारगर निश्चित रूप से होगा। विपक्ष या कहा है कांग्रेस ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे यहाँ पर बीजेपी लड़ रही है, और कर्नाटक की जीत के बाद तो बहुत उत्साहित हैं वो, उनका कहना है कर्नाटक जैसा हाल होगा। पार्टी देखिए, लोकतंत्र में हर पार्टी को कुछ भी कहने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, जरूरी नहीं कि हम उनके प्रश्नों का उत्तर दें, लेकिन हमारी पार्टी सिस्टम की पार्टी है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व, और केंद्रीय नेतृत्व कोई खुद अकेला निर्णय नहीं लेता, ये पार्टी किसी एक परिवार की या एक व्यक्ति की या एक खानदान की या युवराज की पार्टी नहीं है, इस पार्टी का एक सिस्टम बना हुआ है, सेंट्रल संसदीय बोर्ड बना है, और वो संसदीय बोर्ड भी हम लोगों की, या प्रदेश, जैसे मैं प्रभारी आया हूँ तो मैं ही सब कुछ नहीं हूँ, मैं यहाँ की टीम को सलाह करके फिर आगे बढ़ता हूँ। तो जो हमारा सिस्टम है तो वो भरोसा नहीं कह रहे थे, वहाँ तो आदेश होता सीधा, यहाँ आदेश नहीं है, यहाँ समझाइश है, यहाँ एक दूसरे से सामंजस्य है, या एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन है, उस कोऑर्डिनेशन के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।
कर्नाटक से बहुत उत्साहित है कांग्रेस, उसका कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ भी इसी को लेकर हम जीत जाएंगे। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, क्योंकि ये जनता ने वर्डिक्ट दिया है, हम कर्नाटक का हारे, इसमें कोई दो राय नहीं, इसको स्वीकार है हमारे को। लेकिन पार्टी उस हार पे भी विश्लेषण करके आगे ऐसी घटना नहीं हो उसकी उसी दिन से लगी मैदान में और उसी तरह से हम आगे बढ़े। तो आज तक हम हारते भी रहे लेकिन जीते भी तो है ना, एक हार से पूरा नहीं है, बाकी भी तो जीते, इससे पहले वाले चुनाव सारे जीते ना, 6 महीने पहले, साल भर पहले चुनाव सब जीते, और भी आने वाले चुनाव है। और देखिए हार जीत का निर्णय जनता करती है, राजनीतिक दल का, तो जनता का जो वर्डिक्ट होगा उसको स्वीकार करना चाहिए और जहां पार्टी की भूल हो उसको ठीक करने की व्यवस्था होनी चाहिए, और वो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में पुख्ता रूप से है। छत्तीसगढ़ में भी क्या कोई स्ट्रेटजी में चेंजेस आए? वहां पर जैसे बजरंगबली का जिक्र हुआ चुनावों में, यहाँ पर अभी धर्मांतरण जैसे बहुत सारे इश्यूज आप लोग उठा रहे हैं, क्या लग रहा है इन इश्यूज के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं या कोई चेंजेस? देखिए मैं एक तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि किसी प्रदेश की रणनीति हर प्रदेश में लागू नहीं होती, ये राजनीतिक क्षेत्र है, हर प्रदेश की अपनी पॉलिटिकल, भौगोलिक, सोशल इक्वेशन अलग अलग होती है। इसलिए मान लो एक प्रदेश में कोई एक नीति लागू हुई तो दूसरे प्रदेश में भी वही होगी क्या? ऐसा कहीं नहीं होता, ये राजनीतिक क्षेत्र है, हर क्षेत्र अपने अपने ढंग से, हर प्रदेश अपने अपने ढंग से एक अलग व्यवस्था रखता है। तो यहाँ को पूरा समझ करके, और ये तो तय है, आम व्यक्ति समझ चुका है कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ईडी को एक पॉलिटिकल तरीके से देख रहे हैं, कहना कि ईडी तो परेशान करने के लिए भेजी जाती है। देखिए कांग्रेस के पास इसको बोलने का हक नहीं है, हम सबके, और आपने भी देखा होगा अभी 9 साल पहले अपन ने UPA 1 और UPA 2 देखा, और उस समय कोई भी महीना ऐसा नहीं गया, यही संस्था ने उनके अलायंस को या उनके लोगों को कोई महीना ऐसा नहीं गया जहाँ जेल नहीं डाला हो। कैबिनेट स्तर तक के लोग जेल गए, वहीं भ्रष्टाचार उजागर हुआ, इन्हीं के सामने उजागर हुआ। तो उस समय क्या नरेंद्र मोदी जी थे या भारतीय जनता पार्टी थी, उस समय कौन थे? तो इनको इस ED और CBI भी एक संवैधानिक संस्था और एक उनका वर्किंग का प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के आते आते जब इनके पे शिकंजा कसा जाता है तो हमारा नाम लेते हैं। तो भाई उस समय कहाँ थे आप सब लोग, आपने किस तरीके से लोगों को किया, और इससे इनकी छुट्टी भी हुई ना 10 साल में। तो ये जिस तरह का उपयोग करते हैं इसलिए इन पे संवैधानिक संस्थाओं में, और मैं कहता हूँ अगर ED डर क्यों रहे, वो फेस करें ना। हमारे आदरणीय वर्तमान के प्रधानमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित, इन्हीं के योजना से सुप्रीम द्वारा कोर्ट गठित SIT ने घंटों दिनों तक एक एक दिन बुला बुला करके 8-8 घंटे 9-9 घंटे इंट्रोगेशन किया। हमने तो कोई आंदोलन नहीं किया, हमने तो किसी पर आरोप नहीं लगाया, हमने कहा दूध का दूध पानी का पानी होगा। आदरणीय गृह मंत्री जी अमित जी को क्या क्या नहीं किया, हमने तो पूरे देश भर में नहीं हला। इनका एक नोटिस भी चिपका देता है कोई ED या CBI तो पूरे देश में हल्ला मचाता है। युवराज को नोटिस मिल गया, सराज माता साहब को नोटिस मिल गया, अरे भाई क्यों नोटिस क्यों नहीं मिलेगा? क्या आपको न्यायालय में व्यवस्था नहीं है, उस पर भी भरोसा नहीं है आपका? और उस समय कहाँ थे जब आप लोगों ने किया दूसरों पर? तो ये खाली इस सब चीज़ों का एक वायुमंडल बना करके, तो इसलिए इनको मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ भूपेश जी को कि भाई चुनाव के समय आप ये बात कर रहे हो, आप UPA 1 और UPA 2 में क्या कर रहे थे? इसलिए इनको बोलने का, ED और CBI पे बोलने का अधिकार। आपने कार्यकर्ताओं को कहा बहुत खुश हैं, लगातार आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन ये भी चर्चाएं आती हैं बीच बीच में कि पूरे 90 नए चेहरे दिए जाएंगे या बहुत सारे नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, तो पुराने भी थोड़े डावाडोल होते हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्या कुछ सोचा किस तरीके से? राजनीति में ऐसी उलझनें चलती रहती है, और उलझनें चलना भी स्वाभाविक है, महत्वाकांक्षा भी रहती है। अब पार्टी जैसे बढ़ रही है तो हर विधानसभा में 4-4, 5-5 कैंडिडेट भी होते हैं, हर अपने अपने एफर्ट्स भी लगाते हैं, और मैं इस महत्वाकांक्षा को बुरा नहीं मानता, हर इंस्टीट्यूशन में महत्वाकांक्षा रहती है। आज आपका चैनल भी सोचेगा कि मेरा आज TRP कैसे बढ़े, कोई छोटा व्यापारी होगा तो वो भी सोचेगा टर्नओवर इतने का तो इतना कैसे बढ़े, तो मैं उसको नहीं। लेकिन हमारा पार्टी का एक सिस्टम है, फिर एक गुजरात की एक चर्चा आने के बाद एक ये विषय ज़्यादा बढ़ा, लेकिन मैं आप पे पहले बोला वैसे ही बोला हूँ, हर स्टेट की कोई सिस्टम को या कोई रणनीति को दूसरे स्टेट में लागू नहीं किया जाता, हर स्टेट की भौगोलिक, सोशल, पॉलिटिकल स्थिति अलग होती है। तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का सारा दृश्य ध्यान में रख करके निर्णय करेगी, और ये निर्णय का अधिकार हमको नहीं है, हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है,
और वो बोर्ड हमारे तो लेयर बनी हुई है। पर जो चेहरे बहुत लंबे समय तक यहाँ पर सियासत में चमकते रहे, वो अगर लूप लाइन में जाएंगे तो क्या उनकी नाराजगी का खतरा नहीं होता? कोई नाराजगी नहीं होती हमारे यहाँ, कोई ऐसी इस तरह की नाराज, पार्टी निर्णय जो करती है, आप किया ना अभी आपके सामने, हमने लोकसभा में करके दिखाया ना, अगर वही दे दो और जीते ना हम सीटें, तो हमारे यहाँ पार्टी सिस्टम के आधार पर चलती है और हमारा कार्यकर्ता निश्चित रूप से जो पार्टी लाइन, जो हमारे लीडर, जो हमारे सांसद आए, उसको फॉलो करता है। और थोड़ी बहुत नाराजगी बिराजगी तो राजनीतिक फील्ड चलती रहती है और हम लोगों का काम है, मेरे जैसे प्रभारी का काम है कि सबको साथ लेके, और हमारे नेता ने तो नारा दिया है सबका साथ सबका विकास सबका सहयोग, तो हम तो उस भावना से लेकर चलते हैं। बड़े बड़े स्टेट के आप प्रभारी रहे हैं, सफलता भी पाई है, छत्तीसगढ़ को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या नजरिया है, कैसे हैंडल कर रहे हैं? प्रभारी के लिए बिला सफलता पाई है, सफलता मेरा वहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता पाता है। और मेरा एक सूत्र रहता है, मैं पूरे पॉलिटिक्स को दो हिस्सों में बांटता हूँ, चुनावी रणनीति को, एक पॉलिटिकल विंग और दूसरा टेक्निकली विंग। तो अभी जो मैं टेक्निक, यानी हम जब कहते हैं बूथ जीता तो चुनाव जीता, आज से हम बराबर बूथ का 8, 13, 18 का रिजल्ट से हम नीचे एक शक्ति केंद्र तक पहुंचा चुके, और उनको अभी से वर्तमान स्थिति क्या हमारे बूथों की, अभी से उसकी परीक्षण करना शुरू कर दिया। तो मैं शुद्ध रूप से कार्यकर्ताओं के बल पर, संगठनात्मक रचना के बल पर, हमारे प्रवास नेताओं के प्रवासों के बल पर हम इस रचना को करते हैं, और सफलता उसी के आधार पर मिलती है, हम व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं भागते, और हमारी विकास की यात्रा जो है वो जन तक पहुंचाए, उसको लेकर के हम चलते हैं। और निश्चित रूप से मेरा मानना है, जो मैं देख रहा हूं पिछले 4 महीने से, हम आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से, पूरी ताकत से सरकार बनाएगी। कांग्रेस 75+, 80+, ये नारे कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, आप कितने का नारा लेके? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा ऐसे नारे दे करके ही अपनी दुर्गति कराई है। मैं भविष्यवाणी नहीं करता, और मैं मानता भी हूँ कि कुछ समय तक आप जैसे लोग भविष्यवाणी करते रहे हम दोनों के बारे में, मैं मेरे कार्यकर्ताओं के भरोसे आधार पर, उनके वर्किंग के आधार पर, हमारे किए गए काम के आधार पर, और हमने जो 15 साल यहाँ किया उसके आधार पर, केंद्र की योजनाओं के आधार पर कह सकता हूँ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। कई सारी योजनाएं सरकार भी वहां पर ला रही है, उसे किस तरीके से आप काउंटर करेंगे? एक रामायण महोत्सव के जरिए माहौल बना, उन्होंने भांचा राम के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की, बेरोजगारी भत्ता अभी उन्होंने लॉन्च किया अप्रैल में, किस तरीके से इन तमाम चीजों का काउंटर निकालेंगे, या किसानों को, जो किसानों की बात करते हैं? ये कांग्रेस ने 60 साल इसी तरह, इंदिरा जी ने 50 साल पहले कहा था गरीबी हटाओ, आज उनका ग्रैंडसन भी, युवराज भी कहता है गरीबी हटाओ, तो ये खाली जनता समझ चुकी है कि नारे देते हैं। अरे जिस पार्टी ने भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, उसको क्या अधिकार है राम का नाम बोलने का? और उनको लगा कि नहीं, अब राम भी वोट दिला सकता है, इसलिए क्यों नहीं एक हम भी इस तरह का विषय छेड़े। तो ये अभी और भी गई, गोठान का एक्सपोज हो ही गए, अरे तो पूरा छत्तीसगढ़, मैं तो कहता हूँ अच्छा है कि आज हमने देश में एक ऐसा वायुमंडल बनाया जो भगवान राम का अस्तित्व नहीं मान रहे, कम से कम वो राम तो बोलने लगे हैं, लेकिन जनता इसको समझती है, आम मतदाता हिंदुस्तान को समझ सकता है। कभी ध्यान आया इन लोगों को कि देश की किसी दुर्दशा हो रही है, देश को हम कहाँ ले गए? जो देश विश्व गुरु था, जो देश सोने की चिड़िया था, अरे 60 साल एक परिवार ने राज किया, तुम देश को कहाँ ले गए? कैसे भयग्रस्त, कैसे इन्फ्यूटी कॉम्प्लेक्स में जिए आप लोग, कि हमारे प्रयत्नों से, अब जनता के प्रयत्न से, भगवान राम की कृपा से कम ये राम नाम तो बोलने लगे। अच्छा है रामायण करावे, हर जिले में रामायण कराए, लेकिन इन जनता इनके चोचलों को समझती है, इनके विषयों को समझती है। इतने दिन राम नहीं आए, अब चुनाव आया, जब राम आया आज बोला अच्छा राम की नाम क्या, मैं तो इसको ठीक मानता हूँ। केंद्र पर भेदभाव का भी आरोप मुख्यमंत्री लगातार लगाते हैं कि उनकी सरकार यहाँ कांग्रेस की है, इसलिए भेदभाव किया जाता है बार बार। किसी एक विषय को लेकर के, पर्टिकुलर विषय को लेकर आना चाहिए कि ये विषय है हमारे साथ ये भेदभाव हुआ, खाली बोलने से। इनको ने तय कर दिया कि हमें कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलना है। मैं बस्तर प्रवास पर गया उदाहरण के लिए, और बस्तर प्रवास पर गया, स्वाभाविक हमारा सिस्टम है। अब उस समय आप एक बड़े मंत्री ने वहाँ बोल दिया कि देखिए प्रभारी अकेले जा रहे हैं, ना तो अध्यक्ष साथ है, ना यहाँ के नेता रहे 15। अब उनको पूछा भाई तुम्हारे कहने से चलेगी क्या पार्टी?
पार्टी का अपना एक सिस्टम है, और ये लोग रोज हाथ खड़ा कर रहे हैं जहाँ जा रहे हैं वहाँ, और ये अभी से नहीं कर रहे, 14 से चंद्रबाबू के नायडू के नेतृत्व में हाथ पकड़ के खड़े हुए, लेकिन वो जैसे आज मंच उतरते उतरते हाथ छूट जाते हैं। तो उनको ये खाली लोग लुभावने बातें करनी आती है, और इसलिए भेदभाव का आरोप आए ना किसी एक विषय पर आए, कहाँ भेदभाव का आया, करें प्रधानमंत्री जी। और अगर इनका भेदभाव हो रहा है तो जाके मिले प्रधानमंत्री जी से कि हमारे साथ ये भेदभाव करें कठोरता से। और मैंने तो उस दिन भी जब मैं श्रद्धांजलि देगा तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरी राम राम हुई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ HM का फोन आया था। मैंने कहा मेरा भी कहीं उपयोग कर सकते हैं, अगर अपने कोई समस्या को हल करने तो अपन मिलके भी चल सकते। मैंने कहा चला करके, जो भी मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं था, फिर भी मैंने कहा। रेलवे के एक जिक्र करते हैं, ट्रेनों की समस्या या GST क्षतिपूर्ति को लेकर बार बार बातें आती, कहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं कहता हूँ GST में इनके रेगुलर काउंसिल, GST काउंसिल होती है, इनके वित्त मंत्री जाते हैं ना, बैठते हैं ना, सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। अब मैं जब बस्तर गया तो वहाँ एक समस्या आई, मैंने रेलवे मीटिंग मिनिस्टर से मीटिंग करी, उसी समय उनको पता ही नहीं था कितना पैसा आया है, और सारे वो तो बंद कर रहे थे बस्तर को, जगदलपुर को, तो वो एक मीटिंग से ठीक हो गया। तो ये खाली वायुमंडल बनाना, बनाया हुआ वायुमंडल था। 9 तारीख कौन सी तारीख थी, मैं बस्तर गया उससे 4-5 दिन बाद, मैंने वहीं से बात की, यहाँ से डेलीगेशन गया, मिल के आया, सब खुश हो गए, साहब ऐसा था, और वही मेरा सम्मान करना आया दूसरे रोड में। तो एक एक जनता में भ्रम पैदा कराना, जो इन्होंने 60 साल में सीखा कि भ्रम से भी चुनाव जीता जाता, और जीता भी है 60 साल तक। मैं बताया इंदिरा जी 50 साल पहले गरीबी हटाओ को नारा कह के गई थी, क्या हुआ गरीबी, आज ये पोता ऐसा क्यों बोला उनका ग्रैंडसन। तो ये खाली लोग लुभावनी बातें, लोगों को भ्रम जाल में डालने की बातें कर। अभी एक संभागीय सम्मेलन कांग्रेस का चल रहा था, उसमें भी कहा गया कि सोशल मीडिया पर ध्यान देना है, BJP भ्रम फैलाती है सोशल मीडिया पे, माहौल बनाती है। BJP फैलाती है तो तुम भी अपना काम करो, अच्छा है उन्होंने कहना लगा ना, धीरे धीरे BJP की लाइन अडॉप्ट कर रहे हैं मान लो, और कौन सा भ्रम फैलाए किस जगह भ्रम। मैं एक भी स्टेटमेंट बना बता दे कि जिसमें हमारे किसी ने ऐसा, मैं तो अब भी कहता हूँ, मैं मेरे दल में भी कहता हूँ, बाकी को भी कहता हूँ कि शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। हम राजनीतिक दल में काम करेंगे, हम एक दूसरे के जो भी करना करेंगे, लेकिन शब्दों का मर्यादा विरोधी बेल्ट नहीं बोलना चाहिए, ये मेरा मान्यता है। प्रभारियों पर भी लगातार अटैक वो करते हैं कि बार बार आखिरकार सब अच्छा है तो प्रभारी क्यों बदल दिए जाते हैं। ये पार्टी का सिस्टम है, मैं कहता हूँ वो उसकी वो क्यों चिंता कर रहे हैं, वो इतने दिन कुछ नहीं बोल रहे थे, जब से मैं आया हूँ कोई ना कोई मेरे बारे में एक दो चुटकला कह दो, कुछ भी कह दो, करते रहेंगे, और खुद नहीं बोलेंगे तो कराते रहेंगे। तो ये उनका काम है, उनकी बात का हर एक का जवाब हम देते भी नहीं, हम हमारा काम करते रहते हैं, हमारे को हमको मुझे काम करना है यहाँ के, तो मैं इन चीज़ों को रिप्लाई देता। आपको लगता है आपके आने से चिंता है कांग्रेस को? नहीं, ये तो कांग्रेस जाने, मैं कैसे कह सकता हूँ, जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं वो तो प्रकट करता सार्वजनिक रूप से, अब वो क्या कर लेंगे, बड़े ब्लेंगर हैं वो है, तो ये अब बुजर कौन है क्या नहीं है वो पहले सोचे, तो इसलिए ये सारी चीज़ें वो जाने उसका, वो मैं मेरा काम कर रहा हूँ। और ये तय है इन 4 महीनों में जिस प्रकार से पार्टी सक्रियता से गांव-गांव, कोई भी दिन ऐसा नहीं जहाँ किसी न किसी विधानसभा में कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा, किसी न किसी मंडल में कार्यक्रम नहीं हो रहा, हम लगभग 4 से 5 बार विधानसभा स्तर तक हमारा कोई ना कोई लीडर जा चुका है। और इनको जब इतनी दौड़ हुई, जब ये सम्मेलन याद आए, वो भी सरकारी तंत्र के माध्यम से, वो भी कोई संख्या नहीं रही, इससे ज़्यादा संख्या तो हमारी विधानसभाओं की संख्या, आप तुलना कर दीजिए, आप मेरे दौरे की मीटिंग ले लीजिए और इनके सम्मेलन ले लीजिए, साथ साथ रख करके तुलना कर लीजिए आप। तो आप चुनाव लगातार की तैयारियां कर रहे हैं, तो पिछली हार की भी समीक्षा भी आप लोगों ने की होगी, उपचुनाव की भी समीक्षा की होगी। पार्टी के अंदर जैसे बार बार गुटबाजी की बात आती थी या कार्यकर्ताओं की नाराजगी, वो बड़ी चुनौती लग रही है या सामने कांग्रेस के? मेरा ऐसा है कि जो कुछ भी पिछली घटना घटी है, उस घटना का ठीक प्रकार से लिमिटेड ग्रुप में विश्लेषण करना और आगे बढ़ना, उसको कोई चर्चा करने का विषय नहीं है, उसको याद बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि बीती तय विषय आगे की शुद्ध ले, तो हमको 2023 कैसे जूतना उसकी लाइन में हम लगे हैं। जो घटना घट गई हमने विश्लेषण कर दिया, क्या किया वो पेपर आउट नहीं होता, वो हम जाकर के 23 की चिंता कर, उस समस्या का समाधान हो गया आपका मानना है कि पिछले? हमारे यहाँ हर चीज का समस्या हर समय होता है। अरे हमारे यहाँ तो संसद में नारे लगे, मैं एक मैं दो मेरे भी दो, ऐसा करके हम दो भी आए,
और 2 से 35 साल बैठे बाद में सबसे बड़ी पार्टी बने, तो हम उस चिंता में बैठ करके समय बर्बाद नहीं करते, हम आगे बढ़ते। आखिरी सवाल करूंगा, चेहरे की बात जो बार बार आती है, क्या कुछ सोचा है चेहरा? पहले तो प्रमोट आप लोग नहीं करेंगे, जैसा कह रहे हैं कमल के निशान पे जाएंगे, बाद में किस समुदाय से या कैसा, क्योंकि कांग्रेस बार बार बोलती है वो भूपेश बघेल के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, तो बीजेपी किधर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिस्टम की पार्टी है। हमारी पार्टी का निर्णय कोई एक व्यक्ति या एक परिवार नहीं करता, हमारी पार्टी का निर्णय हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है। और मैं लगभग 8-9-10 प्रदेशों में प्रभारी रहा हूँ, मैं ऐसे कई प्रदेश बता सकता हूँ जहाँ हमने बिना चेहरे के चुनाव लड़ा, कई ऐसे प्रदेश बता सकता हूँ जो हम चेहरे के साथ गए। जैसे मैं 2003 में मध्य प्रदेश आया तो उमा जी को लेकर आए थे, महाराष्ट्र गए तो चेहरा नहीं था, गुजरात में आया तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश गया तो चेहरा नहीं था। तो ये हमारे यहाँ पार्टी का सिस्टम है, तो इसलिए हम चेहरा, और ये अधिकार मेरे पास या यहाँ किसी के पास नहीं, ये अधिकार हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड के पास है। और इसलिए हम आज की भाषा में, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ, आज की भाषा में ये कहता है कि हमको चेहरों की चर्चा न करके हमारा चेहरा इस समय कमल का फूल है, बाकी सेंट्रल पार्लियामेंट जो भी निर्णय करेगा उस निर्णय को मान करके आगे बढ़ेंगे। तो कोई भी चेहरा आएगा लेकिन कमल का फूल तो चिपका रहेगा उसके, इसलिए चेहरे का निर्णय हमारे यहाँ। और कांग्रेस की तो मजबूरी है कि उनको ये कहना पड़ रहा है, इसलिए ये मैं नहीं कह सकता, वो उनकी पार्टी का काम है, हमारे यहाँ पार्टी का निर्णय ये हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है, ये अधिकार मेरा नहीं है। और अभी तक सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड ने इसमें कोई निर्णय नहीं लिया, इसलिए हमारा कहना बिल्कुल सही है, हम अभी कमल के फूल के साथ आगे बढ़े। क्या आप कोई ऐसी भी तैयारी कि पुराने हारे हुए लोगों को टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी? ये सारी चीज़ें थोड़े दिन आपके लिए भी एक वायुमंडल है घोषणा करने का, आपको समय पर सब पता लगेगा। और मैं वैसे भी मानता हूँ कि भविष्यवाणियों का निर्णय आजकल प्रेस को दे रखा हमने, वो भविष्यवाणी करते हैं। कोई फिगर भी सोचा है? कांग्रेस ने तो 75-80 सोच लिया। आपने बताया ना, आपने पहले पूछा, मैं बताया, भारतीय जनता पार्टी फिगर हिगर में कोई विश्वास नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार कैसे बने उसकी रचना करने में लगी। नहीं, 2018 में 65+ का नारा आप लोगों की तरफ से आया था। नहीं नहीं, मैंने यूपी में दिया ना, धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव गर्म होगा वैसे वैसे आएगी। मैंने यूपी में जब हम तो मैं गया जब तो 405 में से 47 थे हम सिर्फ, और मैंने 4 महीने बाद 200+ का दिया, और 8 महीने होते होते 10 महीने होते होते मैंने 300+ का नारा दिया और 325 जीत के आए। तो इसलिए अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं, अभी हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की स्थिति में। बिल्कुल माथुर जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत खुलकर आपने अपनी बातें रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ओपी माथुर थे हमारे साथ, प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के, कई बड़े प्रदेशों को बीजेपी को जिताने के बाद छत्तीसगढ़ की अहम जिम्मेदारियों को दी गई है, लगातार दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और बड़े उत्साहित हैं। उनका कहना है रिस्पांस अच्छा आ रहा है, 2023 में सत्ता बीजेपी के हाथ होगी। बात विभाग में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।